का टाइम है और मैं जो हूँ वो बनाने जा रही थी कढ़ी, तो सोचा कि चलो आप सबके साथ शेयर कर दूँ। और आज ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है। और पता है मैंने किचन को ना, अपने नए किचन को सजाने के लिए ना बहुत छोटी छोटी सही लेकिन बहुत सारी चीज़ें लिए, बहुत यूज़फुल चीज़ें लिए, तो वो शेयर भी करूँगी आप सबके साथ। तो चलो पहले किचन में चलते हैं, लेट हो जाए उससे पहले अपनी कढ़ी बना लूँ और फिर मैं आप सबसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैंने हींग और सरसों से इसको मैं तड़का लगाया था और मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी डाली थी। हालांकि ये फटाक से बनने वाली कढ़ी है क्योंकि ये जाने वाले हैं खेतों में, तो मैं फटाक से इसको बना दूंगी ताकि चपाती बना दूं या फिर चावल बना दूं, खा के चले जाएंगे, थोड़ा सा तो मन ना अस्थिर सा रहता है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं अपने सारे जो मसाले होते हैं, मैंने कढ़ी मसाला भी अब की बारी लेके आया था ना, तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया है। और ना टमाटर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि अगर दही ना हो ना तो आप ना थोड़ा सा टमाटर बढ़ा के ना बहुत ही टेस्टी सा कढ़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने सारे मसाले यहाँ पे भून लिए हैं, हल्दी नमक सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अब बेसन को ना मैंने यहाँ पे घोल के डाल दिया है और ये बहुत टेस्टी लगती है। आप कभी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, मतलब टमाटर से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो बस मैंने ये वाली आज ट्राई कर ली। तो अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई तो मैं सोचा कि चलो कुछ मैंने अपने नया किचन के लिए बहुत सारी चीजें ली है, तो मैं सोचा कि चलो मैं आप सबके साथ, हालांकि ये फटाक से बनने वाली कढ़ी है क्योंकि आज मैंने जो भी शॉपिंग की है तो मैं लिंक में फटाक से इसको बना दूंगी ताकि आप मेरे लिंक के चपाती बना दूं या फिर चावल बना दूं। आज की जो खा के चले जाएंगे थोड़ा सा तो मन ज्यादा अच्छी और सस्ती मिलने वाली है। इसमें मैंने डाल दिए हैं अपने सारे जो मसाले होते हैं, मैंने कढ़ी मसाला भी है जो मैं आपको आगे मैंने जितने भी प्रोडक्ट आज लिए हैं, टमाटर थोड़ा सा मैंने ज्यादा यूज किया है रिटर्न क्योंकि अगर दही ना हो ना तो आप ना थोड़ा सा टमाटर बढ़ा के ना ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पे ना बना सकते हैं। तो ये रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी मैंने सारे मसाले इजी हो जाते हैं, हल्दी नमक सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अब बेसन को ना मैंने यहाँ पे घोल के डाल दिया, सारी चीजें वहाँ पे मैंने मेंशन लगती है। आप कभी इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा, मतलब टमाटर ना इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाता है। तो बस मैंने ये वाली आज ट्राई कर ली, लाइट वेट है साथ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे से ये निकाल ये जूस जो है वो निकाल के दे देगा, फ्रेश जूस पियेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसपे है डील ऑफ द डे, ये इसकी जो प्राइस है इसकी प्राइस है 249 रुपीज ऑफ द डे, जिसमें आपको इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप मिलती है। इसके बाद सेकंड जो है वो मैंने लिया है बहुत ही अच्छे अच्छे स्टील के दो जार, जिसमें मैंने जो शुगर जार है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें शुगर भी रखे, मैं अगर इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसमें मैंने बादाम रख दिए हैं जो रात को भिगो देती हूँ, तो इस तरीके से मैंने इसका जो है वो इस तरीके से मैंने इसमें बादाम रख दिए। इसकी जो इन दोनों जो शुगर सेट हैं स्टेनलेस स्टील की हैं, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसमें मैंने शुगर रखे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चीनी रखा है। इसकी जो प्राइस है 399 रुपीज, ये आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी चीजें परचेज कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा ये सस्ती पड़ने वाली है। उसके बाद आप सबने एक चीज नोटिस की और मेरे से पूछा भी था कि दी ये आपने ये कहाँ से लिया, आप इसमें वेजिटेबल नूडल्स कुछ भी जो है वो इसमें रख सकते हैं और यहाँ से पानी जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, जिससे ना ये आपको आप आराम से इसको इजिली जो है इसको आप इसमें बहुत सारी चीजें आपने नूडल्स है और ये स्पेशली नूडल्स को नूडल्स रखने के लिए ही है, जैसे आपने उबाल लिया तो इससे सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे जैसे सब्जियां वगैरह भी हैं तो ये काफी अच्छा सा है और आप चाहें तो इसमें सब्जियां वगैरह भी आप अच्छे से इसमें धो के ऐसे करके रख दीजिए, सारा पानी निकल जाएगा। आपको पालक वगैरह कुछ भी अपने काटा बहुत सारी चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकती हैं। इसकी जो प्राइस है 121 रुपए जो है इसकी प्राइस। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लिया है
वो है स्टोरेज बॉक्स, आप देख सकते हैं। ये ना इसमें ना मेरे को ना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ना चार चार स्टोरेज बॉक्स जो है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ वो मिल जा रहे हैं। इसको मैंने स्पेशली लिया है अपने फ्रिज के लिए। फ्रिज में ना बहुत सारी चीजें क्या होता है ना, अगर आप स्टोर करके अच्छे से रखते हैं ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे छोटा वाला जो है वो बहुत ही क्यूट सा इस तरीके से है। इसमें मैं अरम्या की कुछ चीजें जैसे कि रख देती हूँ अभी, तो इसको अरम्या ने लिया है, इसको मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। सबसे बड़ा वाला मैंने, आप इसमें अपनी हरी सब्जियों को भी अगर आप ऐसे बंद करके अपने फ्रिज में स्टोर करेंगे ना तो वो खराब नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं कि इसको आप फ्रिज में रखें, इसमें आप मसाले रख सकते हैं, अपने किचन की बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। आप इसको कहीं भी जाए ना तो इसमें आप अच्छे से खाना भी पैक करके ले जा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। ये हुआ दो, और एक मेरे मतलब उससे इससे छोटा है एक, ये तीन, और इसके बाद मेरे को ये चौथा वाला ये रिसीव हुआ है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल भी आपको इसमें से कुछ भी चीजें लीक नहीं होंगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो मेरे को रिसीव हुआ है। इसकी जो प्राइस है 259 रुपीज इसकी प्राइस लिया है। ये है एक पेन जिसमें मैं बहुत, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ना ये बहुत ही अच्छा सा मेरे को रिसीव हुआ है, जिसकी हेल्प से मैं बहुत सारी चीजें इसमें बना सकती हूँ। आप सब देख सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल आयरन वाला जो लोहे का होता है वो तवा है, और ये 25 सेंटीमीटर मतलब जो है, और इसमें 1 लीटर ऐसे मतलब आ जाएगा। तो मैंने ये नए अपने किचन के लिए ये चीज भी मंगाई है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब आइडिया मिल गया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो गया अपने नए किचन के लिए इनमें से कुछ भी चीज। और इस तवे की जो प्राइस है वो है 349 रुपीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से मेरे लिंक के थ्रू ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आप सबसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बेहद 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 ख्याल रखें।